युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 64 खेला जाएगा चंबल चैलेंजर सिंध सोनिक्स के बीच में। दोनों टीम्स के बारे में बात करेंगे, क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग रहेगी, किसके ज़्यादा प्लेयर लेने हैं और किस टीम के कौन से प्लेयर की क्या पोजीशन है, कौन सा ट्रंप कार्ड पिक रहेगा, कौन सा सेफ पिक रहेगा, सारी डिटेल में एनालिसिस हम करने वाले। तो वीडियो को देखने आए हो और इस मैच में जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीख के जाओगे। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो कर दीजिएगा भाई, पैसे नहीं लगते आपके और ना ही मेरी जेब में पैसे आते हैं, बस मोटिवेशन वाली बात है, भाईचारे वाली बात है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर भाई 21,400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अगर आप भाई ये सब्सक्राइबर 22,000 जल्द से जल्द करवा दोगे तो मोटिवेशन अलग लेवल पर होगा, ठीक है। 22,000 की फैमिली भाई और स्ट्रांग फैमिली नजर आएगी हमारी, तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री है भाई, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहां पर दोनों टीम्स के बारे में, उससे पहले पॉइंट्स टेबल पर चलेंगे, तो पॉइंट्स टेबल पर चल लेते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो सिंध सोनिक्स है वो नंबर 4 पर दिख रही है, यहां पर आप देखिए 4 पर आपको दिख रही है, 4 मैच में से 2 मैच जीत के 2 मैच हार के सिर्फ 6 के स्कोर डिफरेंस के साथ। बट जो चंबल चैलेंजर्स है ये तहलका मचा रही है, 3 मैच में से 2 मैच जीते, 1 मैच टाई खेला है और 51 के स्कोर डिफरेंस के साथ नंबर 3 की पोजीशन पर, बड़ी तगड़ी स्ट्रांग पोजीशन पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके प्लेयर्स, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अभी जो मैं टीम बना के दिखाऊंगा वो सिर्फ एक डेमो टीम या प्रिडिक्शन टीम रहेगी, फाइनल टीम कहां मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल आप विनिंग नहीं कर पाओगे। अभी के अभी जाके टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए भाई कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। अब अगर यहां पर भाई बात करें दोनों टीम्स के प्लेयर्स के बारे में, तो चलिए भाई दोनों टीम्स के प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भाई अगर बात करें सबसे पहले सिंध सोनिक्स की, तो इनकी टीम में कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनकी बात करते हैं। जतिन सिंह आपको दिख जाएंगे राइट कवर पर, बड़े तगड़े प्लेयर है, स्टार्टिंग में थोड़े एवरेज दिखे, फिर अच्छी परफॉर्मेंस और अब फिर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें भाई इसके अलावा गुरसाहिब सिंह की, राइट कॉर्नर खेलेंगे, टीम को संभाल रहे हैं, कैप्टनसी भी कर रहे हैं, बीच बीच में एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हैं, बड़े तगड़े प्लेयर है, 101% बैक कीजिएगा, हर मैच में 1-2-3 टैकल निकाल कर जरूर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें राहुल कुमार इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में थोड़े से एवरेज नजर आए, एक ही टैकल निकाल पाए, बट इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट कवर की पोजीशन पर खेलेंगे। बात करें अगर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो बलराज सिंह आपको दिखेंगे, इनकी बात करें तो राइट साइड से रेडिंग करेगा, प्लस कभी कभी डिफेंस में भी जाके टैकल करता है, तो ये चीज आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अब इन्हें पिक करना तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको जो प्लेयर दिखेगा जतिंदर सिंह, ये भी भाई लेफ्ट कवर की पोजीशन पर डिफेंस करता नजर आएगा, कभी कभी रेडिंग में चला जाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एज ए डिफरेंशियल पिक आप इन्हें बैक कर सकते हो। बात करें रेडिंग सेक्शन की, तो राजवीर सिंह ने लास्ट मैच में भाई बड़ा अच्छा खेला है, यहां पर देखिए 11 टच पॉइंट 2 बोनस पॉइंट, बहुत तगड़े खेलकर आ रहे हैं। और अगर बात करें भाई यहां पर इनके अलावा यहां पर कौन खेल रहा है, लवदीप सिंह की बात करें तो लेफ्ट साइड से रेडिंग करेगा, और राजवीर सिंह भी भाई लेफ्ट साइड से रेडिंग करेगा, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की, तो चलिए चंबल चैलेंजर्स की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके डिफेंस में दुर्गेश साहू आपको नजर आएंगे, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशियल पिक इस मैच में हो सकते हैं, राइट कॉर्नर पर खेलेंगे, कवर पर भी आ सकते हैं, बहुत ही तगड़े प्लेयर है, मेरे हिसाब से मस्ट ऑफ पिक रहेंगे। बाकी अगर आप चाहो तो आप इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन काफी कम है और परफॉर्मेंस बीच बीच में बड़ी डाउन जा रही है। वहीं अगर बात करें भाई यहां पर एम यादव की, यानी कि भाई मनीष यादव की, इनकी अगर बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट साइड से ये भी भाई आपको डिफेंस करते नजर आ जाएंगे, प्लस कभी कभी भाई ये भी आपको रेडिंग में जाते नजर आ जाएंगे, बट सब्सिट्यूट के तौर पर खेलेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। हाँ, स्टार्टिंग सेवन में रहेंगे तो फिर मस्ट ऑफ पिक है। इसके अलावा रेहान शेख लेफ्ट कॉर्नर पर आपको नजर आएगा, बड़ा तगड़ा प्लेयर है, बीच बीच में परफॉर्मेंस आ रही है बट कंटिन्यू नहीं आ रही है। एच कायवाट की बात करें, हेमंत कायवाट की, राइट कवर पर खेलेंगे, यहां पर आप देखोगे तो आपको राइट कवर पर कौन दिखेगा, यहां पर हेमंत कायवाट दिखेंगे, और जो परफॉर्मेंस आप देखोगे लास्ट मैच में तो 3 टैकल निकाल कर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहां पर आपको दिखेंगे सुरेंद्र कन्वर, इनकी बात करें तो राइट साइड से रेडिंग करेंगे, प्लस कभी कभी डिफेंस भी कर लेते, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर रहेंगे, इन्हें आप जरूर बैक कीजिएगा। इसके अलावा बात करें एम गोपी मलाईपल्ली की, तो लास्ट मैच में 4 टैकल अकेला निकाल कर आ रहा है, ऑलराउंडर सेक्शन में है और राइट कवर या लेफ्ट कवर की पोजिशन पर यह भी आपको खेलता नजर आ जाएगा। बात करें यहां पर संस्कार मिश्रा की, हर मैच में अच्छा कर रहे हैं, राइट साइड से रेडिंग कर रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 101% बैक कर सकते हो। एम सिंह मार्को, सेकेंड लास्ट जो लास्ट मैच है उसमें भाई
बहुत गजब परफॉर्मेंस है, टोटल 20 पॉइंट, 13 टच पॉइंट, 7 बोनस पॉइंट, जरूर से जरूर आप इन्हें बैक कीजिएगा। बात करें इनकी पोजीशन की तो लेफ्ट साइड से रेडिंग करते नजर आएंगे। अब अगर बात करें टीम की तो अभी जो मैं टीम बना के दूंगा वो एक डेमो टीम होगी, फाइनल टीम आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से भाई अगर बात करें गुरुसाहिब सिंह को ट्राई करेंगे, राहुल कुमार को आप ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से मेरी टीम में दुर्गेश साहू रहेगा, एस कायवर्ट रहेगा, ऑलराउंडर सेक्शन में एस कन्वर रहेगा। बात करें अगर रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ से संस्कार मिश्रा और एम सिंह मार्को को रख रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर राहुल कुमार को ड्रॉप करके यहाँ पे बलराज सिंह के साथ भी जा सकते हो। अभी के लिए खैर मैं बलराज को ही ले लेता हूँ। सी वीसी की बात करें, संस्कार मिश्रा कैप्टनसी करते नजर आएंगे हमारी टीम की। वीसी की बात करें तो सुरेंद्र कन्वर वीसी बनते नजर आएंगे। टीम प्रीव्यू की बात करें तो वो आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट फाइनल टीम है। कोई भी चेंजमेंट होता है, कोई भी टीम में अपडेट करना पड़ा या कोई नया प्लेयर खेलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, टीम सेव कर ली होगी। मिलता हूँ आपसे मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।